हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, सो फाइनली कल आप लोग का रिजल्ट आ गया, जिसका बेसब्री से काफ़ी लोगों को इंतजार था कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिजल्ट कब आएगा। और उसी से रिलेटेड कल मैंने आप लोग को वीडियो बना के बताई थी कि आपका जो स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, बहुत जल्दी होगा। तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका 21 जनवरी 2020 ट्यूसडे को, सो मंगलवार को आपका टाइपिंग टेस्ट है। काफ़ी जल्दी है, मैंने आपको बताया था बहुत जल्दी होगा, तो प्रैक्टिस में लग जाना। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को डाउट है कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, किस पैराग्राफ में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या उसका पैटर्न होगा, कैसे टाइप करना है, वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगा, आपको क्या टाइपिंग करना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो पहले बता दूँ, जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो 14 जनवरी 2020 से वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप लोग को प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को ऐसा पैराग्राफ मिलेगा, तो आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको लेफ़्ट साइड पूरा करना है, उसके बाद आपको ये ख़त्म हो जाए तो फिर राइट साइड से टाइप करना स्टार्ट करना है। तो इसी तरीके से आप लोगों को टाइपिंग करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने कल आपको नोटिफिकेशन दिखाया था, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसमें लिखा हुआ था, उससे रिलेटेड एक कमेंट भी आया था, पहले मैं आप लोग को वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये आपके सामने कमेंट है। कमेंट आया था कि डबल लाइन स्पेसिंग और लेफ्ट मार्जिन ऑफ 10 डिग्री से इसका क्या मतलब है, ये चीज़ क्या होता है। तो इस चीज़ के बारे में आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि डबल लाइन स्पेसिंग क्या है और लेफ्ट मार्जिन से 10 डिग्री का स्पेस, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, डबल मार्जिन का, डबल लाइन का मतलब पहले ये है कि आपकी जहाँ भी लाइन ख़त्म हो जाए, लाइक यहाँ पे आप लोगों की, मैं आपको पैराग्राफ दिखा देता हूँ, आई थिंक नेक्स्ट पैराग्राफ में है। यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद आपको दो बार एंटर दबाना है, ठीक है। पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद आपको दो बार एंटर दबाना है, जिसका मतलब है डबल लाइन स्पेसिंग। इसके बाद आया था कि लेफ्ट साइड से आपको 10 डिग्री का मार्जिन छोड़ना है, तो इसका मतलब ये है आपका जो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपका खाली है, तो यहाँ पर आपको 10 बार स्पेस देना, फिर आपको एजुकेशन से टाइप करना है, ठीक है। 10 बार स्पेस देना, टैब आपका काम नहीं करेगा, कल भी मैंने आपको बताया था। तो 10 बार आपको स्पेस देना है, तो फिर आपको ये वाली चीज़ खाली छोड़नी है लेफ्ट साइड से, फिर आपको टाइप स्टार्ट करना है और इसी पैटर्न में आपको टाइप करना है। तो इसी से रिलेटेड टॉप 10, ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है, टॉप 10 मेरे पास पैराग्राफ है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और आप वहाँ से ये कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों, आपका 21 तारीख को टाइपिंग का टेस्ट है, ठीक है। तो मान लो आज 8 तारीख होगी, आज का दिन तो गया, तो लगभग लगभग आप ये मानो कि आपके पास 10 दिन बचे हैं। तो उन 10 दिन के लिए टोटल 10 प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। डेली आपको एक टाइप करना है, ठीक है। लगभग 400 के आसपास वर्ड है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो आपको सही ढंग से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है, टाइप करना है। इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार भी चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।